नहीं करते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, हम आप अपने बाप को याद करते हैं तो माँ को अलग से याद करते हैं क्या? अरे दोनों मिले रहे हैं भाई, कैसे अलग करिएगा? माँ बाप से अलग करिएगा एक दूसरे को, तो हम आएंगे कैसे धरती पर? शिव की इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको अहम बहुश्याम। शिव की इच्छा ही उनकी शक्ति है और उनकी शक्ति को ही भगवती कहा गया है। तो आप शिव को याद कर रहे हैं तो आप शक्ति को याद कर रहे हैं, दोनों को अलग कैसे कीजिएगा? अर्थ नारीश्वर हमारे गुरु का एक रूप है, जो आधा आधे नर है, आधे पुरुष और आधे स्त्री है, कैसे अलग कर सकते हैं? माँ बाप को अलग कर पाएंगे क्या हम आप? साहब दीदी को अलग कर पाएंगे क्या हम आप? नहीं कर पाएंगे, वो एक ही है। आप प्रणाम अलग अलग नहीं करते, हमको और आपको दिखता है कि बाबू जी आए हैं। एक चीज ध्यान रखिए, पापा घर में आते हैं तो प्रणाम पापा को करते हैं, पूछते हैं मम्मी कैसी है, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? बताइए कहाँ अलग हो गए दोनों, कहाँ अलग हुए? माँ को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने के लिए झुकते हैं, मुँह से निकल जाता है कि पापा ठीक है ना, तो कहाँ अलग किए दोनों को? अलग तो नहीं किए, ये शब्दों का है अगर हो सकता है, पर दोनों कोई अलग नहीं है, सभी एक है। और वो महादेव है, वो महेश्वर है, सारी चीजें उन्हीं में है। माँ भी उन्हीं में है, बाप भी उन्हीं में है, भाई भी उन्हीं में है, बहन भी उन्हीं में है। आप शब्द अलग अलग दे सकते हैं पर सारे रिश्ते एक में ही नहीं है। हम लोग शादी करके जाते हैं ससुराल, लड़कियां महिलाएं, तो लोग कहता नहीं कि आप भाई बहन माई बाप सब दूर है, अलग अलग लाए एक में खोजे, बताइए सब एक रिश्ता में खोजते हैं, अलग अलग को नहीं खोजते, तो वो कैसे अलग हो जाएगा? और हम आप उनको कर भी हमारी आपकी सीमा से परे है। शिव और शक्ति को अलग करना, शिव और पार्वती को अलग करना, महादेव और भगवती को अलग करना, साहब और दीदी को अलग करना, वो एक ही सत्ता है। आपका मन है तो कर लीजिए, और जो चीज एक बार कर चुके हैं दोनों बार, आप एक बार रसगुल्ला खा लिए तो दोनों बार खा लीजिएगा, खाना एक बार खा लिए तो दूसरे को खाना देगा, दोनों खाएंगे हम आप? तो आप महादेव को प्रणाम करिएगा, उसमें सब कुछ समाहित है, सब सारी चीजें उन्हीं में समाहित है, कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता हमको और आपको नहीं है जी। पति मेरे गुरु भाई कैसे हो? पति मेरे गुरु भाई, सवाल बहुत अच्छा, पति मेरे गुरु भाई कैसे हो सकते हैं? सही बात है, पर जब एक स्कूल में पढ़ता है बच्चा, आगे जाकर जब ब्याह हो जाता है तो काहे भी याद कर लेते हैं भाई, वो तो भाई ही हो गया, एक ही स्कूल में पढ़े हैं। अरे हम आप शिव के स्कूल में पढ़ते हैं, जब वो शिष्य की बात होगी तो वहां कोई पति नहीं, वहां कोई पत्नी नहीं, वहां कोई भाई नहीं, वहां कोई बहन नहीं, वहां कोई माँ नहीं, वहां कोई बाप नहीं, वहां सब हम सब विद्यार्थी हैं, शिव के शिष्य हैं। बाकी रिश्ते जागतिक रिश्ते अपनी जगह है, कोई पति हो सकता है, कोई भाई हो सकता है, कोई बेटा हो सकता है, कोई बेटी हो सकती है, कोई माँ हो सकती है, कोई बाप होगा, कोई ससुर होगा, कोई सास होगी, पर हम आप सभी जीव हैं, जीवात्मा है, हम में आप में सभी में शिव का अंश है। तब कहिएगा कि जा हम अपने पति से कैसे किया करें, उसमें तो महादेव बलचन है, ऐसा नहीं होगा। जब गुरु की बात होगी, जब शिष्य की बात होगी, हर एक पुरुष हमारा भाई है और हर एक स्त्री हमारी बहन है, चाहे वो बड़ी है तो माँ के रूप में है, छोटी है तो बहन के रूप में है, ठीक है जी। शिव गुरु की तो दया होती है, लेकिन सप्ताहिक कार्यक्रम में 4-5 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर है। पहले लोग ज्यादा हुआ करते थे, आज की संख्या कम होती जा रही है, दीदी समझाने का प्रयास। सवाल सुन लिया कि 4-5 साल पहले साप्ताहिक में ज्यादा भीड़ हुआ करती थी, अब नहीं होती है। आप ये बताइए, जिनका भी सवाल है, भीड़ इकट्ठी करना हमारा आपका उद्देश्य है क्या? अभी बाहर डीजे बजा दीजिए, हम सब यहाँ से उठ करके वहां चले जाएंगे। डीजे बजाइए, देखिए हम आदेश कदर वहां रहेंगे, सही हो गई। भीड़ इकट्ठी करना हमारा आपका काम नहीं है, शिव के शिष्यों का काम भीड़ इकट्ठी करना नहीं है। साहब ने कहा है शिव के शिष्य इकट्ठे होंगे, मुंडी थोड़ा इकट्ठा होता है।
बेट थोड़े हैं, उछल उछल के करते रहे। महादेव के चेला हैं, सात दीदी के लोग हैं, जहाँ रहेंगे एक जगह रहेंगे। तो अगर संख्या कम हो रही है तो लोगों को प्रेरित करिए। साहब का कहना है कि सात तारीख की तो ध्यान दीजिए, हमारा आपका कर्तव्य है। पिया हमें हम लोग बुलाने जाते हैं कि नहीं, कुछ उनमें पीछे एक गुरबान है रंजू जी, अगिया बिजिया करते रहती हैं, बुलाने जाते हैं कि नहीं मेरे यहाँ भोज आइएगा। अरे ये आपका काम है, आप किसी को बुला लीजिए अपने दरवाजे, क्यों नहीं बुला सकते हम आप किसी को अपने दरवाजे। हाँ एक बार बुलाइए, पांच बार बुलाइए, छठी बार बुलाइए, नहीं आए तो छोड़ दीजिए, पर कोशिश तो करिए। एक बहुत अच्छी सी लाइन है कि जरा पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, थोड़ा सोच करके महादेव से दया मांग करके, साहब दीदी से आशीर्वाद मांग करके एक बार कोशिश तो करिए। और कोशिश करिएगा मामला सॉल्व हो जाएगा, कोशिश करिएगा वो मेहनत हमारी आपकी रंग लाएगी। हम साहब कहते हैं कि शिव का शिष्य चाहे तो धरती अपनी जगह से इधर उधर हो सकती है, आसमान नीचे उतर सकता है, धरती उठ सकती है। शिव का शिष्य बोली में महादेव का चेला नहीं, मन से जिस दिन हम आप शिव के शिष्य हो जाएंगे जो चाहेंगे वो होगा। ये साहब हरिद्रान जी का और माँ नीलमानंद जी का आशीर्वाद है हम सभी शिव शिष्यों को, ये ध्यान रखिएगा। क्या